तो गाइस गुड इवनिंग, स्वागत है आपका एक और कैंपिंग वीडियो में। जो आज भी कैंपिंग की शुरुआत बारिश से हुई है और जैसे तैसे टेंट लगाया मैंने। अब थोड़ा भीग भी गया हूँ आज खुद से। तो अब मानसून भी अब आ ही चुका है और आपको एक से एक रेन कैंपिंग वीडियो आप देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको रेन कैंपिंग देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको इस चैनल पर ही मिलेंगे कैंपिंग वीडियो, वो भी रेन में, है ना। और फिर से बारिश के साथ हल्की हल्की धूप भी है। तो यार ये बहुत ही बेहतरीन मौसम, आज मज़ा आ रहा है। टेंट लगा के ऐसे बैठ जाओ और हल्की बूंदाबांदी, हल्की बारिश हो रही है भाई, जन्नत वाली फील आती है इसमें। आज का जो लोकेशन है ना गाइस, वो मैं आपको थोड़ी देर में जैसे बारिश बंद होगी ना, ड्रोन व्यू दिखाने वाला हूँ। बहुत ही खतरनाक ड्रोन शॉट आने वाले हैं आज, क्योंकि जिस लोकेशन पे हूँ मैं, ये मेरे घर से सबसे नियरेस्ट कैंपिंग लोकेशन है। अब थोड़ी ठंड भी लग रही है तो सोच रहे हैं तो चाय तो बनती है ऐसे में, है ना। थोड़ा बहुत बैग भी भीग गया है, बस अंदर तक न जाए पानी। चलो अंदर तो नहीं गया पानी। ये अपना स्पाइस बॉक्स क्या कहें, खाने का सारा आइटम इसमें रहता है मेरा। तो गाइज अपनी चाय रेडी है, और चाय पीने का जो असली मज़ा है ना गाइज, वो ऐसे ही मौसम में है। और आज तो फिर ऊपर से भाई बारिश के बाद जो मौसम हुआ है, बहुत ही अमेजिंग। सामने बादल एकदम फ्लोट कर रहे हैं ऐसे, तैरते हुए जा रहे हैं पहाड़ियों से, और अपनी चाय बनी हुई है। होप यू गाइज आप भी इंजॉय कर रहे होंगे वीडियो को। अगर इंजॉय कर रहे हैं तो लाइक कर दो, और जो नए चैनल पर वो सब्सक्राइब कर लो। मैं ले रहा हूँ चाय का मज़ा, तब तक आप ये व्यू चेक करो गाइस। सामने जो बादल तैरते हुए जा रहे हैं ना, एक बार
देख लो आप गाइस, मजा आने वाला है। तो गाइज अभी शाम के 6:30 हो रहा है टाइम और बारिश एकदम बंद हो चुकी है और इस साइड से आसमान खुल भी चुका है, ब्लू स्काई आपको दिख रहा होगा। और अब मैंने यहाँ पे जो अपना पोंचो था उसको यहाँ पे डाल दिया ताकि यहाँ से पानी सारा निखर जाए। अभी टेंट में काफ़ी पानी है। और लोकेशन की बात करें तो ये देखिए लोकेशन बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है। साथ में आपने ड्रोन शॉट भी देखे होंगे, अगर ड्रोन शॉट पसंद आए तो लाइक करना। जो वो यहाँ से अभी का व्यू है ना गाइज, बहुत ही ऑसम व्यू अभी यहाँ से दिखता है। और ऊपर से जो आपने ड्रोन शॉट में देखे होंगे पीछे हिमालयन रेंज भी दिख रही होगी। तो अभी मौसम क्लियर हो चुका है, मतलब अभी इस टाइम पर रहता क्या है कि बारिश के टाइम पर पूरे पहाड़ों पर और जो हिमालयन रेंज है उस पर पूरा फॉग रहता है। तो वो बारिश के बाद थोड़ी देर के लिए ये फॉग हट जाता है, उसके बाद जो व्यू रहता है ना गाइस आपने भी ड्रोन शॉट में देख लिया होगा, तो बहुत ही मस्त लगता है। और सामने वाली पहाड़ी में भी अभी फॉग पूरी तरह से हट चुका है। तो गाइस अंधेरा हो चुका है और अब प्रिपरेशन करते हैं अपना जो डिनर बनने वाला है आज उसके लिए। तो आज मैं जो डिश बना रहा हूँ उसके लिए मुझे ये सारी सब्जियाँ हैं उसको करने पड़ेंगे चॉप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले कटिंग स्टार्ट करते हैं। आज स्पेशल डिश बनने जा रहा है फिर से, तो आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे क्या बनने जा रहा है। तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं इसकी कटिंग। सबसे पहले आलू, तो आलू कट चुके हैं एकदम पतले पतले, इसको इसमें निकाल लेते हैं। और ये है स्पेशल चीज़ जो हम यूज़ करेंगे स्प्रिंग ऑनियन की जगह।
तो पहले अपना बन रहा है फ्रेंच फ्राइज। आलू कट चुके थे, इसको फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा कम ऑयल यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो फ्रेंच फ्राइज रेडी हो चुके हैं, अब मुझे करने हैं नूडल बॉईल। उसी पैन में डाल लेते हैं पानी। पानी उबलना स्टार्ट हो चुका है, अब इसमें डालेंगे बहुत ही स्पेशल ग्लास नूडल। इतने मजबूत हैं कि टूट भी नहीं रहे। तो गाइस अभी बॉईल हो रहे हैं ग्लास नूडल, देख सकते हैं आप। तो मुझे स्टोव को अंदर शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि बाहर पे होने लग गई अब बारिश। चलो अब मेन प्रोसेस जो ग्लास नूडल बनने जा रहा है उसका करते हैं प्रोसेस स्टार्ट। ऑयल में मैंने डाल दिया थोड़ा बहुत लहसुन, लहसुन भी भुन चुका है ऑलमोस्ट। इसमें डालते हैं ऑनियन। ग्रीन ऑनियन, सॉरी ग्रीन चिली, नमक, थोड़ा हल्दी। और फाइनली गाइस में डालेंगे हम नूडल। देख सकते हैं एकदम ट्रांसपेरेंट। और थोड़ा सोया सॉस। ऊपर से थोड़ा चिली फ्लेक्स। और ये जो अपना स्प्रिंग ऑनियन है उसको ऊपर से डालेंगे। चलो रेडी अपना नूडल, ग्लास नूडल, एंड खाते हैं। और साथ में फ्रेंच फ्राइज मैंने इसमें डाल दिए हैं, थोड़े स्टिकी बने हैं बट टेस्टी है। मैंने ट्राई कर लेते पहले, तो पहले खा लेते हैं, देखते हैं टेस्ट कैसा हुआ इसका। रेडी है ग्लास नूडल, देख सकते हैं। बहुत बढ़िया, साथ में फ्रेंच फ्राइज के साथ इसको
तो गाइज डिनर हो चुका है और टाइम 10:48 हो चुके हैं रात के। वैसे मैं लगभग 9 बजे के आसपास मैंने डिनर कर लिया था, लेकिन उसके बाद थोड़ा नींद भी आ गई मुझे, और जैसे अभी नींद खुली तो पता चला 11 बज रहे हैं। तो अभी वीडियो को यहाँ पे एंड तो नहीं, बट यहाँ से मॉर्निंग में कंटिन्यू करेंगे। सो अभी सोने की तैयारी और यहाँ से कंटिन्यू करेंगे मॉर्निंग में। सो गुड नाइट। हवा भरने के बावजूद पता नहीं सुबह तक ही बिल्कुल इसमें से हवा लगभग ख़त्म हो जाती है, पता नहीं क्यों इसकी प्रॉब्लम ये है। हल्की बूंदाबांदी हो रही है, तो अभी सोते हैं और यहाँ से कंटिन्यू करेंगे मॉर्निंग में वीडियो को। सो गुड नाइट गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 6 बज रहे हैं और जस्ट अभी नींद खुली है मेरी, और मैं कल रात को खिसक के बिल्कुल इस कोने में पहुंच गया था, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी ढलान है तो जो मैट है अपना वो खिसक के नीचे आ गया था, तो रात में थोड़ी प्रॉब्लम हुई सोने में, और ओवरऑल ठीक ठाक नींद आई। और जस्ट अभी नींद खुल रही है और बाहर का मौसम भाई काफ़ी अच्छा है आज। तो गाइज यहाँ पे अभी टाइम 6:30 हो चुका है और 6:10 के आसपास ही यहाँ पे धूप आ जाती है, देख सकते हैं पीछे धूप आ चुकी है। और कल रात को बारिश हुई थी, अभी इसमें पानी पूरा है और यहाँ से व्यू देखिए। तो गाइज अभी सुबह के 8 बज चुके हैं और मैं टेंट सूखने का वेट कर रहा था और लगभग टेंट सूख चुका है, तो अभी पैक करके आ जाएंगे घर को। तो इस वीडियो को ये एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और जो नए चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, और किसी भी सुझाव के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और चलिए तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलता हूँ जल्दी आपको फिर से एक नई कैंपिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।